एक किलो सवा किलो के बच्चे जनरली बचते नहीं है, ऐसा है या कहीं भी एक किलो से कम वाले बच्चे को बचाना काफी मुश्किल होता है। तो आज भी ऐसे ही एक साथ 6 बच्चे का छुट्टी हो रहा था जो कि 1 किलो से कम बच्चे था। देखिए ये सब जो होती है हम सब टोटली हमारे पास फ्री होता है, आयुष्मान योजना के तहत हमारे पास सभी बच्चों का मुफ्त में इलाज हुआ है। अभी जो सभी गरीबों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप दलालों के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधे आओ, आयुष्मान कार्ड हो ना हो आपका अगर राशन कार्ड में नाम है तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आपका और फ्री में इलाज होगा। आपका जो प्री टर्म बच्चे हैं अभी भी नर्सरी में कम से कम 12 से 13 प्री टर्म है जो कि लेस देन 1.2 केजी के हैं। केयर किलकारी दरभंगा में जच्चा और बच्चा के लिए भरोसे का वो नाम जहां सूनी गोद में किलकारी गूंजती है, जहां ना जाने कितने मासूम बच्चे को नया जीवन मिला है। अब उसी केयर किलकारी अस्पताल में एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को बड़ी खुशी मिली है। जी आपको बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर की एक महिला जिसने एक साथ 2 बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन उस नवजात की हालत बेहद नाजुक थी, वजन 1 किलोग्राम से भी कम था। ठीक उसी तरह नेपाल की एक महिला जिसने कुछ महीने पहले एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया था, उन सभी चारों नवजात की हालत नाजुक थी। सभी बच्चों का डॉक्टर मिथिलेश सिंह और बबीता सिंह की निगरानी में महीने भर इलाज चला जिसके बाद सभी स्वस्थ होकर अपने अपने घर खुशियों के साथ लौट गए। क्या नई उपलब्धि मिली है आप लोगों को, किलकारी में क्या ऐसा हुआ है चमत्कार जो आप प्रेस वार्ता बुलाए हैं? ऐसे चमत्कार तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, प्रेस वार्ता इसलिए बुलाए हैं कि काफी दिनों से हम सोच रहे थे, काफी आयुष्मान का बच्चा से फ्री में इलाज हम लोग कर रहे हैं, तो आज भी ऐसे ही एक साथ 6 बच्चे का छुट्टी हो रहा था जो कि 1 किलो से कम बच्चे था। और दरभंगा में ऐसा है या कहीं भी 1 किलो से कम वाले बच्चे को बचाना काफी मुश्किल होता है और एक साथ हमने 6 बच्चे को छुट्टी दे रहे हैं जो कि 1 किलो से कम बच्चा है। समझने वाली बात है, 1 किलो 1.25 किलो के बच्चे जनरली बचते नहीं हैं और सब समय से पहले था, कोई 32 वीक्स का है, कोई 33 वीक्स का है। तो एक पेशेंट है जिनका कि ट्विंस हुआ था, वो 32 वीक्स यानी आप उसका वजन 1 किलो का था और आज 1 महीने के बाद हम उसको छुट्टी कर रहे हैं। हालांकि डिस्चार्ज वजन आज 1300 समथिंग है जबकि नियम के अनुसार 1500 ग्राम से पहले छुट्टी नहीं करना चाहिए, चूंकि अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया, गार्जियन बोल रहे हैं नहीं सर हम घर पे रख लेंगे, इसीलिए हम लोग छुट्टी कर रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट। दूसरा एक पेशेंट है जिनका कि 4 बच्चा एक साथ हुआ था, वो भी समय से पहले हुआ था और हमारे पास आया था, काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था और अभी क्या है सब स्वस्थ है और उसका भी बच्चा सब ऐसा था 1 किलो 100 ग्राम 1 किलो 200 ग्राम जो मैक्सिमम वजन था 1 किलो 350 ग्राम का था। तो ऐसे में 6 बच्चे का एक साथ छुट्टी होना बहुत बड़ी बात है और सब प्री टर्म, यानी प्री टर्म अगर कम वजन का हो और उसको बचाना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। जहाँ तक सवाल है कि इस महीने में हमारे पास जो प्री टर्म बच्चे हैं अभी भी नर्सरी में कम से कम 12 से 13 प्री टर्म है जो कि लेस देन 1.2 केजी के हैं और इस तरह के बच्चे को बचाना एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। सर नॉर्मल बच्चे और इन बच्चों में कितनी चुनौतियां होती हैं, डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है और जो उनकी माएं होती हैं उन पे कितना असर पड़ता है इसका? देखिए जो समय से पहले बच्चे होते हैं उसको प्री टर्म बच्चा बोलते हैं, समय से अपरिपक्व, उसमें क्या होता है आपका सभी अंग तो बन जाते हैं, जैसे आंख बन गया, नाक बन गया, कान बन गया, सभी चीज बनते हैं, सभी ऑर्गन्स बनते हैं, बट वो सब प्री मैच्योर होते हैं। जैसे लंग्स होते हैं उसमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है, सर्फेक्टेंट जो होते हैं 34 वीक्स के बाद बनना शुरू होता है 33-34 वीक्स में, तो ऐसे बच्चे को हम लोग को सर्फेक्टेंट देना पड़ता है जो एक महंगी इंजेक्शन होती है और ये काफी चैलेंजिंग होता है, समय के साथ इसमें कॉम्प्लिकेशन होते जाता है, कभी क्या होता है मस्तिष्क में स्राव होता है, कभी सांस की दिक्कत होती है, कभी NEC जिसमें आंत का सड़न होता है, कभी बच्चा ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी बच्चे में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है जिसे RBS कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, वो सब होते हैं, तो काफी सारे चैलेंजेज होते हैं और ऐसे में बच्चे काफी खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे खराब नहीं होते, लेकिन इस बच्चे को बचाना, छोटे बच्चे को बचाना काफी चैलेंजिंग होती है। मदर का भी यह रहता है कि लंबा स्टे हो जाता है, जैसे आज ही छुट्टी दे रहे हैं 6 बच्चे का, उनकी मदर लोग करीब करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया, वो मदर फादर काफी मेहनत करते हैं, फिर हम KMC करवाते हैं, KMC का मतलब होता है कंगारू मदर केयर,
जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मदर कंगारू की तरह रखती है, उससे क्या होता है वजन बढ़ता है। तो बच्चा जितना छोटा होता है, जितना कम सप्ताह का होता है, जैसे अभी दो बच्चे जो कल छुट्टी किया है वो 28 वीक के थे, तो वो काफी कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो 50 डेज पे छुट्टी हुआ है। तो ऐसे बच्चे में जितने कम वजन का बच्चा होगा, जितने कम उसका गेस्टेशन एज होगा, यानी उसका जो बच्चा का गर्भधारण का एज कम होगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो बच्चे लोग, और उसको काफी चैलेंजिंग होता है बचाना। सर आपने एक बात कही कि काफी महंगा इंजेक्शन होता है उन बच्चों के लिए, तो जहां लोग लाखों रुपया उस इंजेक्शन का चार्ज करते हैं, केयर कलकारी में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से लोग अपना पैसा बचा सकते हैं, किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए ये सब जो होती है हम सब टोटली हमारे पास फ्री होता है। आयुष्मान योजना के तहत हमारे पास सभी बच्चों का मुफ्त में इलाज हुआ है। अभी जो बच्चे लोग हैं सभी का मुफ्त में इलाज हुआ है। अभी भी काफ़ी सारे करीब 25-26 बच्चे हैं जो NICU में, सभी का फ्री इलाज हो रहा है, एक भी पैसा नहीं लगता है। सभी गरीबों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप दलालों के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधे आओ। आयुष्मान कार्ड हो ना हो, आपका अगर राशन कार्ड में नाम है तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आपका, और फ्री में इलाज होगा। आप चिंता मत करो, आप सीधे हॉस्पिटल आइए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि इधर उधर लोग ले जाएंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 8,000 से 10,000 होता है वेंटिलेटर का, अगर ऑक्सीजन पे 5,000 से 7,000 रुपया लगते हैं, तो काफ़ी महंगी इलाज होती है बच्चों का। तो हम सभी को बोलना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चे के साथ कोई भी आपके नवजात शिशु हो या बच्चे हो, आप केयर कलकारी आइए। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, तो आपका फ्री में इलाज होगा। सर एक महिला को 4 बच्चे हुए, उनकी देखरेख के लिए बच्चा की स्थिति कमजोर थी, आपके पास आया, किस तरह से आपने ख्याल रखा? 4 बच्चों को एक माह से जन्म लेना कितना कठिन है, और किस तरह से उसका ख्याल रखे आप लोग? देखिए ये चारों बच्चे काफी कमजोर बच्चे थे, समय से पहले काफ़ी हो गया था, ये सब करीब 33-34 वीक्स के बच्चे थे, और वजन सबका 1 किलो 100 ग्राम इसी तरह का था, और काफ़ी चैलेंजिंग था इसको बचाना, क्योंकि 4 बच्चे एक मदर के होते तो इम्यूनिटी भी इसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी आज सभी बच्चे का छुट्टी हो रहा है, बच्चे स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छे होकर घर जा रहे हैं। सर इन लोगों को कितना, जो पैसे की अगर हम बात करते हैं, इन लोगों का किस तरह का खर्च आता है जो बच्चे कम इसमें? देखिए ये बच्चे एक्चुअली नेपाल के थे, अब इंडिया के बच्चे होते हैं तो हमारे पास आयुष्मान में फ्री में इलाज होता है, इनका भी हमने काफी कम में इलाज कर दिया है, बट लेकिन ये नेपाल के थे तो इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, इसलिए मतलब सर केयर कलकारी में अंतर्राष्ट्रीय भी जो पेशेंट है वो भी आ रहे हैं, काफी सारे आते हैं नेपाल से, काफी सारे हमारे पेशेंट आते हैं, काफी पेशेंट है नेपाल के। सर और इस बच्चे के जो ख्याल रखा जाता है, कितने दिनों तक आप लोगों ने इनकी केयर की है? करीब करीब 1 महीना हो गया। देखिए जितना कम वजन होगा, जितने कम गेस्टेशन होगा, यानी जितना जल्दी बच्चा जन्म होगा, कुछ बच्चे 6 महीने पे जन्म लेते हैं, कुछ 7 महीने पे, कुछ 6.5 महीने पे, तो ऐसे बच्चे में किसी में 25 दिन लगते हैं, किसी में 30 दिन लगते हैं, और अभी जो एक छुट्टी हुआ कल परसों में उसका 45 डेज लगा था, क्योंकि वो 800 ग्राम का बच्चा था और उसका हमको 45 डेज लग गया था। उन माओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके वो बच्चा होने वाला है, और या जिनका बच्चा हो चुका है और कमजोर है, उनके लिए क्या निर्देश देंगे, क्या संदेश है? जैसे कोई भी बच्चा कमजोर होता है तो उनकी KMC होता है, जो अगर 1.5 किलो 2 किलो से कम होता है तो KMC करवाएं, और जो नज़दीक में डॉक्टर साहब होंगे उनको आप दिखाइए, और रेगुलर फॉलोअप करिए, टेम्परेचर से बचा के रखिए, ना ज़्यादा ठंडा करना है ना ज़्यादा गर्म करना है, और माँ का दूध सबसे स्पेशल दूध होता है, माँ का दूध अमृत होता है, माँ का ही दूध पिलाएं, अगर आपको दूध हो रहा है तो बाहर का दूध ना पिलाएं।